नंबर देखते हैं 17, थोड़ा ध्यान से देखना। दिया हुआ है 9x² माइनस का 6b² x माइनस a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इक्वल टू 0। इसे देखिए, हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, 9x² माइनस 6b² x माइनस, इसे हम लोग ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, पावर में 4 है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना जी। तो यहाँ देखो 9x² माइनस 6b² x, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें कुछ यहाँ देखो, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 ए का पावर 4 माइनस बी का 4, या 9 यहाँ आ जाएगा ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा जी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमें अभी सेट करना होगा। तो देखो ध्यान रखना, जैसे यहाँ 9 है ना, तो 3 इसके साथ लगा देंगे, 3 इसके साथ लगा देंगे, समझो किस तरह से। यहाँ पर अभी हमें 6b² लाना है, तो बी स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस का 6b² लाने के लिए, 6b² x लाने के लिए, देखिए हमें यहाँ सेट करना होगा थोड़ा सा, है ना। हम लोग यहाँ कर देते हैं माइनस 3 यहाँ ले लेते हैं हम लोग a² प्लस b² x, फिर माइनस 3 b² माइनस a² x, देख लीजिए। अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो माइनस 3a² x माइनस 3b² x माइनस 3b² x और यहाँ प्लस 3a² x आएगा, तो 3a² x 3a² कट जाएगा और इन दोनों को ऐड करके तो ये आ जाएगा, जो बचेगा इनको प्रोडक्ट करके आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा कि नहीं। तो यही हमें मेनली यहाँ सेट करना होता है, ठीक है ना, यही मेन है यहाँ पे सेट करना। इसके बाद तो इजी हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन करते हैं हम लोग 3x, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट देते हैं, यहाँ बचेगा आपका 3x माइनस 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ a² प्लस b² यहाँ बच जाएगा, और यहाँ इन दोनों में कॉमन करते हैं हम लोग यहाँ माइनस का b² माइनस a². अब देखो यहाँ बच जाएगा आपका 3x, और यहाँ देखिए यहाँ पे समझिए अब थोड़ा सा, यहाँ a² माइनस b² है, तो जब इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे तो ये b² माइनस a² में बदल जाएगा। तो एक इसमें का माइनस जब कॉमन करोगे तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ माइनस कॉमन हो रहा है तो यहाँ साइन बदल जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, और यहाँ b² माइनस a² निकल गया, बच जाएगा आपका a² प्लस b². बात को समझ गए, क्लियर है, इक्वल टू में चेक इन दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। तो आप कॉमन कर लेते हैं 3x माइनस a² प्लस b², ठीक है इसको, और फिर इंटू में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 3x और माइनस यहाँ b² माइनस a² इक्वल टू में 0। चलिए अलग अलग कर दो, 3x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू में 0, 3x माइनस b² माइनस a² इक्वल टू में 0। यहाँ 3x इक्वल टू में a² प्लस b², यानी x इक्वल टू में a² प्लस b² बाई 3, यहाँ 3x इक्वल टू में प्लस का b² माइनस a², यानी x इक्वल टू में b² माइनस a² बाई 3, ये आपके आंसर हो गए, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।